जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग जीके करने वाले हैं 2015 का, ठीक है, जो कि एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। और ये जो पेपर है वह आपके सीआरपीएफ, सीएएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, एनआईए, आईटीबीपी, एसएसएफ एवं असम राइफल, इन सभी के कांस्टेबल एवं ट्रेडमैन दोनों एग्जाम में महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। और ये जो पेपर हुआ था वह 4 अक्टूबर 2015 को प्रथम पाली में हुआ था। और जीके में कुल 25 प्रश्न हैं, तो 25 के 25 मैं बताऊंगा और एक प्रश्न आपसे एक्स्ट्रा पूछूंगा, ठीक है, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और 26 यहां पर दिया गया है कि इकोनॉमिक्स क्लासीफाई द मैन मेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन एज, कहा जा रहा है कि अर्थशास्त्र ने उत्पाद के साधन को या फिर उत्पाद के उपकरण, ठीक है, प्रोडक्शन इंस्ट्रूमेंट मतलब उत्पाद के उपकरण को मनुष्य के रूप में वर्गीकृत किया है, तो वह कौन सा रूप है ये आपको बताना है। देखिए वो जो रूप है वो रूप आपका कैपिटल के रूप में हो जाता है, क्योंकि मनुष्य जब रहेगा तो मशीन बनाएगा या फिर फैक्ट्रीज बनाएगा या फिर बिल्डिंग्स बनाएगा या फिर रोड बनाएगा या फिर रॉ मटेरियल्स, मनुष्य नहीं रहेगा तो ये चीज़ें नहीं हो पाएगी। तो इसलिए अर्थशास्त्री ने क्या किया कि मनुष्य को कैपिटल के रूप में रखा है, जो कि आपके 26 के डी में दिया गया है, ठीक है। तो 26 का डी उत्तर हो जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ें। 27 आपको दिया गया है, हु एस्टेब्लिश द शारदा सदन अ स्कूल फॉर इंडियन विडो इन कॉलोनियल इंडिया, कहता है कि औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए एक स्कूल खोला गया जिसका नाम था शारदा सदन। तो इसकी स्थापना किसने की थी, देखिए शारदा सदन जो है इसकी स्थापना पंडित रमाबाई ने की थी। कब की थी, 1889 में पंडित रमाबाई ने इसकी स्थापना की थी, और ये कहाँ पर है, मुंबई में, ठीक है। और इसका मतलब मेन उद्देश्य ये था कि सुरक्षा एवं ज्ञान ये विधवाओं को या फिर भारतीय महिलाओं को दिया जाए, इसी के लिए इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए उत्तर आपका हो जाएगा ए, पंडित रमाबाई, जो कि यहाँ पर 27 के ए में है। क्या आपको पता है पंडित रमाबाई ने और भी दो चीज़ें की, क्या की, कि इन्होंने कृष्णा सदन, ठीक है, कृष्णा सदन एवं महिला नामक दो, ठीक है, आश्रम की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 दिया गया है, द एसिड विच फेल्स टू लिब्रेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त कराने में विफल रहने वाला अम्ल, यहाँ पर देखिए फॉर्मिक एसिड आपको दिया गया है, सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया है, ठीक है, एवं एसिटिक एसिड दिया गया है, ये तीनों कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। वहीं पर क्या होता है, कार्बोनिक एसिड जो है कब बनता है, ये बनता है जब CO2 प्लस H2O, ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलते हैं तो बनाते हैं H2CO3, ठीक है, H2CO3 जो कि कार्बोनिक एसिड के रूप में जाना जाता है। ये क्या करता है पता है, ये जब शरीर में जाता है तो हमारे लिए फायदेमंद है, क्या करता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन को मुक्त करता है, ठीक है, ऑक्सीजन की संख्या को बढ़ा देता है और हम अच्छे तरीके से श्वसन कर पाते हैं और वातावरण में सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के अनुसार उत्तर क्या हो जाएगा, 28 का डी हो जाएगा, जो कि कार्बोनिक एसिड है और यह कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 दिया गया है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। देखिए भारत आजाद जो है वह 1947 में हो गया और कॉन्स्टिट्यूशन जो लागू हुआ वह 26 जनवरी 1950 को हुआ, ठीक है। तो 26 जैन 1950 को फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट का जो कार्यभार शुरू हुआ था वह इसी दिन हुआ था। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है उसके रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई, ठीक है, 1962 तक इनका कार्यकाल रहा, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिन कब है, तो इनका जन्म दिवस जो है वह 3 दिसंबर है, 3 दिसंबर 1884, और कहाँ हुआ था, जीरादेई नामक स्थान पे हुआ था। इनकी डेथ कब हो गई थी, 28 फरवरी 1963 को इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। 1962 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, भारत रत्न दिया गया था इनको, और उसके बाद
अगले वर्ष ही ये चल बसे। ओके तो उत्तर क्या हो जाएगा 20 जन का? 20 जन का उत्तर ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज फर्स्ट इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, चलिए आगे बढ़े। 30 आपको दिया गया है, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट, कहता है यूनाइटेड नेशन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनाइटेड नेशन का जो मुख्यालय है वह आपका न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क देखिए डी में दिया गया है। अच्छा बताइए ये कब स्थापित किया गया था? तो ये आपके 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित किया गया था। ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी। और यदि प्रेजेंट में चले अभी की बात करें तो 193 देश जो हैं इसके मेंबर हैं अभी। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया? 30 का उत्तर डी हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 दिया गया है, नेम द फर्स्ट इंडियन टू बी बैंड फॉर यूजिंग एनाबॉलिक स्टेरॉइड इन ओलंपिक गेम्स। कहा जा रहा है कि ऐसे भारतीय का नाम बताना है जो कि ओलंपिक गेम में बैन किए गए थे। क्यों किए गए थे? क्योंकि इन्होंने एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो कि एक ड्रग होता है उसका उपयोग कर लिया था। तो वो थे आपके टी सनमंच चानू। ठीक है, टी सनमंच चानू ने 2004 अर्थात 2004 के समर ओलंपिक में 53 केजी ओमेंस कैटेगरी से इन्होंने भाग लिया था। और इसमें इन्होंने क्या कर दिया कि ड्रग का उपयोग कर लिया, और ड्रग का उपयोग किया इस वजह से इनको प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, तो 31 का उत्तर क्या हो जाएगा? 31 का उत्तर सी हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 आपको दिया गया है, द प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन एनवायरमेंट इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन पीपीएम, वेयर पीपीएम स्टैंड फॉर, कहता है कि पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को आमतौर पर पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है? पीपीएम मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन जो कि डी में दिया गया है। वैसे पीपीएम क्या होता है? पीपीएम जो हम लोग लिखते हैं ये क्या होता है? ये आपका होता है मास ऑफ सॉल्यूट जो कि ग्राम में होता है बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और इनटू क्या हो जाता है? 10^6 हो जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका पीपीएम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो उत्तर आपका हो जाएगा 32 का डी। ओके आगे बढ़े। चलिए 33 आपको दिया गया है, वेन वाटर फ्रीजेस इट्स डेंसिटी, जब पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है? देखिए पानी का जो नॉर्मल घनत्व है, ठीक है, वह है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब यह जमता है तो इसका घनत्व घट जाता है। ठीक है, तो घट जाता है, डिक्रीज आपके ए में दिया गया है, तो 33 का ए उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़िए। 34 दिया गया है कि डेमोक्रेसीज आ, डेमोक्रेसी क्या है? गवर्नमेंट इन विच एवरी वन हैज अ शेयर। ठीक है, अर्थात यहाँ पर आपको कह रहा है कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें कि सभी की हिस्सेदारी होती है। ये ओपिनियन ये किसने बोला था? तो ये बोला गया था आपके अब्राहम लिंकन के द्वारा। ठीक है, अब्राहम लिंकन के द्वारा ये बोला गया था। इसमें क्या होता है? डेमोक्रेसी गेव पीपुल द राइट टू मेक यूज ऑफ देयर थिंकिंग अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। ठीक है, अपने क्षमता के अनुसार अपने सोच का प्रयोग करना यह डेमोक्रेसी में दिया जाता है। ये था आपके अब्राहम लिंकन का ओपिनियन। ठीक है, तो 34 का उत्तर क्या हो जाएगा? 34 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 35 दिया गया है कि दादा भाई नेहरूजी हैज डिस्क्राइब हिज थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। देखिए ड्रेन ऑफ वेल्थ इन्होंने एक सिद्धांत दिया था दादा भाई नेहरूजी ने। इसमें क्या सिद्धांत था? सिद्धांत ये था कि भारत से इंग्लैंड में धन का निरंतर प्रवाह हो रहा था, जिसके लिए भारत को ना पर्याप्त आर्थिक भौतिक या फिर कहिए कि वाणिज्यिक मदद मिल रहा था, कुछ भी वापस नहीं मिल रहा था। तो इन चीज़ों को दादा भाई नेहरू जी ने दर्शाया था। ठीक है, तो ये क्या था? प्रोवर्टी थी, भारत की गरीबी थी जो कि ब्रिटिश रूल के अंदर चल रहा था ना। तो देखिए कहाँ दिया गया है? प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि बी में दिया गया है। तो 35 का बी उत्तर हो जाएगा। ओके आगे बढ़े। चलिए 36 आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैड ब्रॉट आउट अ स्टाम्प ऑन मदर टेरेसा टू सेलिब्रेट हर बर्थडे एनिवर्सरी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने मदर टेरेसा की जयंती को मनाने के लिए टिकट प्रकाशित करने का मतलब क्या होता है? जैसे कि डाक सेवा होता है तो उसमें टिकट किसी के नाम पे छाप देना। ठीक है, तो ये किया गया था अमेरिका के द्वारा। कब किया गया था? 2010 में, 31 अगस्त 2010 की बात है। ठीक है,
उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि भारत की जो नोबेल पुरस्कार विजेता है मदर टेरेसा, उनके सम्मान में वो डाक टिकट जारी करेंगे, ठीक है? और मदर टेरेसा ने कब नोबेल पुरस्कार जीता था? 1979 में, 1979 में नोबेल पुरस्कार इन्होंने हासिल करी थी, ठीक है? और ये एक समाज सेवी थे जो कि देश विदेश हर जगह हेल्प किए, ठीक है? तो इसीलिए यह फेमस हुए और इन्हीं वजह से अमेरिका ने ऐसा सोचा और प्रकाशित किया। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 36 का उत्तर बी हो जाएगा, यूएसए। ओके, चलिए आगे बढ़े। 37 आपको दिया गया है, द टर्म यू आर एल यूज इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर। देखिए, यू आर एल का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? ये प्रयोग आता है वर्ल्ड वाइड वेब के एड्रेस के रूप में, जो कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का काम करता है, ठीक है? तो ये इसका फुल फॉर्म भी हो गया यू आर एल का। यू आर एल का फुल फॉर्म क्या हो गया? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि डी में दिया गया है। तो 37 का डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। 38 दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओटोट्रॉप। ओटोट्रॉप कहने का मतलब है स्वपोषी। इन सब में से स्वपोषी कौन है? जो अपना भोजन खुद बनाता है, जो अपना ख्याल खुद रखता है, जो प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाता हो, वो स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आपका देखिए टिड्डी, तितली और मशरूम, ये स्वपोषी नहीं है, ये परपोषी हैं। वहीं पर शैवाल जो है, एल्गी जो है, वह स्वपोषी है, क्योंकि यह थैलाफाइटा वर्ग में आता है और ये प्रकाश संश्लेषी है, ठीक है? तो 38 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़े। देखिए 39 दिया गया है, हु ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स पोस द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ब्लड एंड आयरन कहने का मतलब है कि सख्त नीति अपनाना, ठीक है? रक्त और लौह नीति अपनाना, ये शक्तिकरण का पहचान है। तो शक्तिकरण किसके द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा किया गया था ना। कब से कब तक था बलबन बताइए? 1265 से लेकर 1287 ईस्वी तक बलबन का शासन काल चला था। और इस समय इसने सिजाद और पायाबोस नामक, ठीक है, देखिए सिजाद में क्या होता था? लेटना, और ये शक्ति का पहचान था, ठीक है? यदि कोई गलती करता था तो उसे माफी मांगने के लिए लेटना तक पड़ जाता था। तो ये शक्ति का पहचान है और इसी को कहा गया है रक्त और लौह नीति, ठीक है, जो कि बलबन के द्वारा किया गया था। तो 39 का ये उत्तर हो जाएगा। इन्होंने दो चीजें, एक तो सिजाद और दूसरा पायोबोस नामक परंपरा का उद्घाटन किया, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। 40 आपको दिया गया है, When was the office of district collector created? जिला कलेक्टर, ठीक है, जिला कलेक्टर का कार्यालय कब बनाया गया था? तो जिला कलेक्टर कार्यालय जो है वह 1772, ठीक है, जो कि वारन हॉस्टिंग के द्वारा किया गया था। और वारन हॉस्टिंग जो थे वह 1772 से लेकर 85 तक रहे थे। और इन्होंने क्या किया था? बोर्ड ऑफ रिवेन्यू, ठीक है, राजस्व बोर्ड को स्थापित किया। और उस राजस्व बोर्ड में कलेक्ट कौन करेगा पैसे? वो करेगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तब जाकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पद की स्थापना की थी, ठीक है? तो 40 का उत्तर क्या हो जाएगा? 40 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़े। चलिए 41 दिया गया है, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका जनेवा में है, ठीक है? जनेवा स्विट्जरलैंड, जानते होंगे आप। और ये कब स्थापित किया गया था? ये आज से 26 साल पहले, 1 जनवरी, 1 जैन 1995 में स्थापित किया गया था, ठीक है? अभी इसके कितने मेंबर हैं? तो अभी इसके 164 स्टेट्स मेंबर हैं, ठीक है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 41 का उत्तर डी हो जाएगा। आगे बढ़े। 42 दिया गया है, द स्मॉलेस्ट ओशन। देखिए सबसे छोटा महासागर कह रहा ना, तो सबसे छोटा तो आपका आर्कटिक है। आर्कटिक कहाँ दिया गया है? बी में ना। उत्तर आपका बी हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। और कहाँ पर सबसे बड़ा है और गहरा है? तो मारियाना गर्त पे, ठीक है, मारियाना गर्त पे यह सबसे गहरा है। ओके, तो 42 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़िए। 43 दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी। देखिए यहाँ पर नॉन डायमेंशनल क्वांटिटी जो कि साइंस से पूछ दिया, और ये है आपका स्ट्रेन, तनाव। तनाव में क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है, ये कहलाता है आपका तनाव। तो 43 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, स्ट्रेन, ठीक है। आगे बढ़े। 44 आपको दिया गया, हु वाज द ऑथर ऑफ तेलुगु वर्क अमुक्त मालद्य। देखिए अमुक्त मालद्य जो है यह कृष्णदेव राय के समय में लिखा गया था, और कृष्णदेव राय जो थे वह विजयनगर के राजा थे। कब से कब तक थे? ये आपके 1509 से लेकर 28 तक थे विजयनगर के। अच्छा ये बताइए, विजयनगर का स्थापना किसने किया था?
तो विजयनगर का स्थापना दो भाइयों ने किया था, हरिहर एवं बुक्का ने, ठीक है। तो उसी के राजा थे और इन्होंने ही अमुक्त मालव्य जो कि तेलुगु में लिखा गया है उसको इन्होंने लिखा था। तो 44 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कृष्णदेव राय, ठीक है। आगे बढ़े, 45 दिया गया है, द कैश रिजर्व रेशियो इज अ टूल ऑफ, नगद आरक्षी अनुपात एक उपकरण है। देखिए कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, ये आपके मॉनिटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति जो कि आरबीआई के द्वारा, इंडिया में आरबीआई के द्वारा ये रूल अपनाया गया है। इसमें क्या होता है कि बैंक जो है आरबीआई वो दूसरे बैंक को पैसा देता है और फिर उसे वापस लेता है। तो इस नीति को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, उस मेमोरेंडम को बनाए रखने के लिए मॉनिटरी पॉलिसी को बनाई गई है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 45 का उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 दिया गया है, इन बीसीजी वैक्सीन द वर्ड सी स्टैंड फॉर, बीसीजी में सी शब्द का अर्थ क्या है। पहले तो बीसीजी का फुल फॉर्म बताइए, इसका फुल फॉर्म होता है बैसिल कॉलमेट गैरून, क्या होता है, ठीक है, बैसल कॉलमेट गैरन। तो सी फोर क्या हो गया, कैलमेट ना, कैलमेट देखिए आपके ए में दिया गया है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 46 का उत्तर ए हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 आपको दिया गया है, द ग्रेटनेस ऑफ शेरशाह लाइज इन हिज, कहता है कि शेरशाह सूरी की महानता किसमें निहित है। तो शेरशाह सूरी की महानता बहुत सारी है। इन्होंने पहला तो ग्रैंड रैंक रोड का निर्माण करवाया था और ग्रैंड रैंक रोड के निर्माण के साथ साथ इन्होंने प्रशासनिक सुधार, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने चालू किया जो कि बाद में मुगलों के द्वारा भी अपनाया गया, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में इन्होंने क्या किया कि सर्वप्रथम जो इनका उपराज्य कह लीजिए या फिर जहां तक ये शासन कर रहे थे उसको इन्होंने 42 सरकार में बांट दिया, ठीक है, और 42 सरकार बाद में प्रज्ञा के रूप में डिवाइड किया, ठीक है, सरकार फिर प्रज्ञा के रूप में, बहुत सारे प्रज्ञा के रूप में डिवाइड किया गया था। तो इन्होंने मूलतः जो है वह प्रशासनिक सुधार पे कार्य किया था। तो 47 का उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 दिया गया है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर आर वाश डाउन बाय रेन्स टू काउज, कहता है कि वायुमंडल में मौजूद सल्फर के ऑक्साइड बारिश के कारण धुल जाते हैं। तो फिर क्या बनते हैं, क्या बनाते हैं, ये चीज़ बताना है आपको। तो होता क्या है, जब SO2 धुल जाता है तो ये ना जलता है, किसके साथ, जीवाश्म के साथ, जीवाश्म ईंधन के साथ इसको जलाया जाता है। और इसको जलाया क्यों जाता है, क्योंकि ये धातु को गला देता है और धातु के गलाने की वजह से इसका प्रयोग जो है वह इंडस्ट्री में ज़्यादा होता है या इंडस्ट्रियल स्मॉग के फॉर्मेशन में काम आता है, ठीक है। तो देखिए इंडस्ट्रियल स्मॉग फॉर्मेशन आपके डी में दिया गया है, तो 48 का उत्तर डी हो जाएगा, ओके। आगे बढ़े, चलिए 49 दिया गया है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ हैवी वाटर, हैवी वाटर मतलब भारी जल, इसका रासायनिक नाम क्या है, ड्यूटोरियम ऑक्साइड D2O, जो कि आपके ए में दिया गया है। तो 49 का उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 50 जो कि जीके का आखिरी प्रश्न है और इसमें दिया गया है, हाउ डज एग्रीकल्चर प्रमोट द इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कहता है कृषि भारतीय औद्योगिक विकास को कैसे बढ़ावा देती है। देखिए ये बढ़ापा जो है वह मतलब जो आपके रॉ मटेरियल्स हैं ना, जैसे कि फूड के रॉ मटेरियल्स हो गए, जब मार्केट में डिमांड होती है तो आप सप्लाई करते हैं, तो इन चीज़ों के रूप में बढ़ावा करती है बाय सप्लाइंग द फूड एंड रॉ मटेरियल्स। तो फूड तो नहीं दिया गया है लेकिन रॉ मटेरियल्स है, बिल्कुल सही है। तो 50 का ए उत्तर हो जाएगा, बाय सप्लाइंग रॉ मटेरियल्स, ठीक है, कच्चे माल की आपूर्ति करना कृषि भारतीय औद्योगिक विकास का बढ़ावा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें आज का प्रश्न ये रहा कि स्टूडेंट स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस वॉक एट द स्पीड ऑफ 2:1/2 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस हिज स्कूल 6 मिनट लेट, नेक्स्ट डे स्टार्टिंग एट द सेम टाइम ही इंक्रीज हिज स्पीड बाय 1 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज 6 मिनट अर्ली, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड हिज हाउस इज, कहता है कि अपने घर से शुरू होने वाला एक छात्र 2:1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और 6 मिनट की देरी से वह स्कूल पहुंचता है। अगले दिन उसी समय वह फिर शुरू करता है और अपनी गति को 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है और 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो स्कूल और उसके घर के बीच दूरी क्या है ये बताना है, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जब तक इसकी वीडियो नहीं आती है आप उत्तर कमेंट कीजिए। यदि आप गलत होते हैं
तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो आएगी मैथ की, उसमें आपको वेरीफाई हो लेना है, ठीक है? ओके, चलिए आगे बढ़े, ठीक है? तो इस प्रकार से आज के वीडियो में आपका 25 जीके का प्रश्न करा दिया गया है और 25 रीजनिंग के प्रश्न पहले हो चुके हैं। अब बारी है मैथ एवं हिंदी की, तो वो दोनों वीडियो आपको कंटिन्यूअसली आएगी, ठीक है? और एसएससी जीडी की तैयारी आपको इन्हीं सबसे करनी है, तो लगे रहिए। और मॉक टेस्ट वगैरह का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है, तो वहां से जाकर आप मॉक टेस्ट देते रहें, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।